उत्तराखंड सरकार भले ही उत्तराखंड स्थापना दिवस के 22वीं वर्षगांठ पर जश्न मना रही हो, लेकिन जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बता दें पिछले काफी लंबे समय से सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधम सिंह नगर का जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बताया जा रहा है कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उपकरण भी काफी पुराने हो गए हैं और न ही अस्पताल में कोई बाल रोग विशेषज्ञ है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि यहाँ एक्सरे मशीन भी 20 से 25 साल पुरानी है और साथ ही कोई बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, सर्जन चिकित्सक भी नहीं है, जिसके लिए शासन को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। एक्सरे मशीन काफी पुरानी है, ये करीब 25 से 30 साल पुरानी है मशीन हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सिंह थे, तो उनकी यहाँ पर ओपीडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आज लास्ट से लगभग 6 साल पहले। उसके पश्चात कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती यहाँ पे नहीं हुई है, शासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वैसे हमारे एक यहाँ से डॉक्टर साहब भी एम्स में बाल रोग विशेषज्ञ का कोर्स करने के लिए गए हुए हैं, वो 1 जून अगले साल नेक्स्ट 1 जून को यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे, और अगर बीच में कोई आ जाता है तो हो सकता है वो बीच में भी ज्वाइन कराए शासन के।